Actor Ramu D'Souza and lead role Salman Khan, Anil Kapoor, Jacqueline Fernandez and Bobby Deol ka movie this 3 release hua tha. Salman Khan Films and Tips Film Production Company Action Thriller Movie Race 3 ne first day se lekar first weekend tak bahut hi acha collection kiya hai. But aaj dekhenge is movie ka first week collection. Lekin usse pehle chaliye dekh lete hain Race 3 movie ka har din ka collection. फ्रेंड्स, रेस 3 मूवी ने फर्स्ट डे में कलेक्शन किया है 29.17 करोड़. मूवी का सेकंड डे कलेक्शन है 38.14 करोड़ एंड मूवी का थर्ड डे कलेक्शन है 39.16 करोड़. और इसके साथ ही मूवी का फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन हुआ है 106.47 करोड़, जो सलमान खान का मूवी रेस 3 का मैजिकल कलेक्शन है. लेकिन ओपनिंग वीकेंड के बाद मूवी का कलेक्शन डिक्रीज हुआ है. मूवी ने फोर्थ डे में कलेक्शन किया है 14.24 करोड़. मूवी का फिफ्थ डे कलेक्शन है 9.50 करोड़ एंड मूवी का सिक्स्थ डे कलेक्शन है 8 करोड़. तो आप चलिए बता दें मूवी का कल का यानी सेवेंथ डे का कलेक्शन. फ्रेंड्स, सेवेंथ डे में रेस 3 मूवी ने कलेक्शन किया है 6.30 करोड़, जिससे मूवी का फर्स्ट वीक कलेक्शन हुआ है 144.51 करोड़, जो सलमान खान को देखते हुए फर्स्ट वीक में उतना बढ़िया कलेक्शन नहीं है. लेकिन मूवी का बजट 100 करोड़ को देखते हुए ये मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट हो चुके हैं. और आपको बता दें फ्रेंड्स, इस वीक में कोई भी बॉलीवुड मूवी रिलीज नहीं हो रहा है, जिसका फायदा रेस 3 मूवी को मिलेगा. सो इसीलिए आज यानी सेकंड वीक का शुरुआत यानी 8 डे में ये मूवी कलेक्शन कर सकते हैं 5 से 6 करोड़ अप्रोक्सीमेटली. एंड इस मूवी का सेकंड वीकेंड कलेक्शन हो सकते हैं 20 करोड़ अप्रोक्सीमेटली. और इस मूवी का लाइफ टाइम कलेक्शन हो सकते हैं 180 करोड़ अप्रोक्सीमेटली. फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं. तो आप चलिए देखते हैं इस मूवी का वर्ल्डवाइड कलेक्शन. फ्रेंड्स, वर्ल्डवाइड में भी इस मूवी ने अच्छे खासे कलेक्शन किया है. मूवी ने टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन किया है 185.27 करोड़ एंड मूवी का टोटल वर्ल्डवाइड में कलेक्शन है 232 करोड़, जो एक अच्छे खासे कलेक्शन है वर्ल्डवाइड में भी. तो फ्रेंड्स, आज इतना ही एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.